ZCU26415। बाकी ये सीट है यहाँ पे, पंखे वगैरह तो तकरीबन चल ही रहे हैं। देख स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देख सकते हैं आप। सुबह तो इतनी नहीं थी लेकिन आपको ज़्यादा ही लग रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, कैसे हैं आप लोग? तो हाँ सब लोग ठीक होंगे। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर जंक्शन की पार्किंग में। आज है 3 नवंबर 2024 और आज मेरे यहाँ आने का मकसद, ड्राइवर के लिए स्पेशल ट्रेन चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल तब्दीली जमा होता है रेवन में, उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। तो आज उसको मैं कवर करने आया हूँ। तो टाइम इस वक्त 10:24 हो चुके हैं, इससे पहले कि ट्रेन निकले उसको कवर करना है। और चलें चलते हैं जी अंदर। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर और 126 टाउन लसानी एक्सप्रेस का एक मौजूद है यहाँ पे, और यही रेक लेके जाएगा जी रायबन तक इस शटल ट्रेन को। और ZCU20 लीड कर रहा है, इसका नंबर देखते हैं आज। साढ़े 10 बजे डिपार्चर है और 10:36 हो रहे हैं इस वक्त। ZCU26415 लीड कर रहा है। आपको उनसे कोचेज दिखा देते हैं एक बार। भाई साहब ये कुछ वाशरूम की हालत है, ये देखें लाइट टूटी हुई है। इसके अलावा शुक्र है लोटा मौजूद है। और ये कराची सर्कुलर रेलवे में, जैसा कि आप लोगों ने अंदर से डब्बा देखा हुआ है, ये सीट चेक करें, सिंगल सीट। बाकी ये सीट है यहाँ पे, पंखे वगैरह तो तकरीबन चल ही रहे हैं। एक आधा एक ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये आप देखें। ये वाला भाई साहब फिर भी कुछ बेहतर है क्योंकि इसमें दो बंदे बैठ सकते हैं, जो पीछे मैंने आपको दिखाई इसमें सिर्फ एक बंदा बैठ सकता है साइड पे। रश भाई साहब, रश वश कोई नहीं है, खाली ट्रेन मुझे लग रहा है जाएगी यहाँ से। कोई रश नज़र नहीं आ रहा मुझे इस ट्रेन में। ओ रहमत भाई कैसे हैं आप? जा रहे हैं? नहीं क्यों, आप जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ। ओह डिपार्चर हो गया। एक ये वैन और आगे एक ब्रेक वैन मौजूद है। ड्राइवर साहब ने झंडी लहरा दी है और डिपार्चर हो चुका है। मैंने आपको इंजन तो दिखाया नहीं। ZCU26415 भाई साहब खाली आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा था कि भाई इसमें चले जाएं लेकिन नहीं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा रहमत भाई भी कह रहे थे कि भाई साहब चलें आज, मैंने कहा नहीं भाई साहब आप ही जाएं। तो ये 126 लसानी एक्सप्रेस का रेक है, ये आप देख सकते हैं। दो कराची सर्कुलर रेलवे की कोशिश भी लगी हुई है इसमें। नहीं जी रहमत भाई भी उतर गए हैं। आप गए नहीं? नहीं तो आप गए नहीं। तो आपने किया तो मैं भी नहीं किया। हाय हैं मोहब्बत ही बड़ी मोहब्बत में भाई, ऐसे ही अकेले क्या करना जाके। सही। तो दोस्तों ये कोच है जी, ये मेरे ख्याल से रिपेयर होने के लिए जा रही है मुगलपुरा वर्कशॉप में। RG251009 लेकर जा रहा है इसे। हालत तो आप इसकी देख ही रहे हैं भाई से।
कोयटा शहर के शहजादे हाजी 20 और दोस्तों सारे साथ ना बता चलूँ कि जो शटल ट्रेन है वो आप लोगों ने देख ही लिया कि 10:36 पर निकली है रेवंड के लिए और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद होगा कोल लखपत। तकरीबन 11 बजे पहुँचेगी कोल लखपत रेलवे स्टेशन पर और 2 मिनट रुकने के बाद जाकर निकल जाएगी अपनी मंजिल रेवंड की तरफ और तकरीबन भी कोई 11:30 बजे तक ही पहुँचेगी या 12 बजे तक लगा लें रेवंड। फिर आधा घंटा रुकने के बाद ये रेवंड से निकलेगी यानी कि 12:15 पे या 12 बजे। वैसे तो जो शेड्यूल टाइम है इसका पहुंचने का वो है 12 बजे लेकिन आपको तो यहाँ से लेट चली तो आगे भी लेट हो सकती है तो देखते हैं कितने बजे तक ये वहाँ से चलेगी। मेरे ख्याल से 12:15 तक ये चलेगी वहाँ से और इसी तरह फिर ये कोल लखपत रुकने के बाद पहुँचेगी जी लाहौर जंक्शन पर। तो ये कुछ इसका रूट है और जो अगली शटल ट्रेन है वो चलेगी जी 10 अक्टूबर को और फिर इसी तरह लाहौर जंक्शन से निकलने के बाद वो अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी कोल लखपत बाहर रेवंड और फिर इसे आधा घंटा वहाँ पे रुकने के बाद जो है वही लोकोमोटिव जो ZC-20 लीड करता होता है अक्सर, जैसा कि आप लोगों ने आज भी देखा कि ZC-20 लीड कर रहा था तो वही लोकोमोटिव बैक आके लगेगा और इसको लेकर आएगा जी शटल ट्रेन को 10 अक्टूबर को चलेगी लाहौर जंक्शन तक। जो आज लोकोमोटिव गया ZC-26415 वही लोकोमोटिव आज भी लेकर आएगा जी इसी शटल ट्रेन को। और क्या ही कमाल का विसल RG-20 का लें जी, ये जा रही है जी कोच रिपेयर होने और ये अब नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर आएगी। भाई साहब ये कुछ हालात हैं जी लाहौर जंक्शन के, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है, कोई ट्रेन का नामो निशान नहीं है, बस वो एक शटल ट्रेन थी जो चले गई है और उसमें भी कोई रश नहीं था। उम्मीद है कि आगे जाके रश हो। बाकी जो कच्ची साइड से लोग आएंगे वो दूसरी ट्रेन चूज़ करेंगे, जैसे खैबर मेल होगा, वाम एक्सप्रेस होगा, उनमें बहुत ज़्यादा रश देखने को हमें मिलेगा। तो बहुत रश होना भाई साहब। खैर अभी आगे चलते हैं और एक बात मैं आपको ये बता चलूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 से निकली थी ये शटल ट्रेन है तो जो अगली शटल ट्रेन होगी वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 9 से ही निकलेगी। ये है जी यार्ड लाहौर जंक्शन का, काफ़ी वसी यार्ड है, मैं अभी ऊपर इस ब्रिज से देख रहा था काफ़ी माल गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे। और भाई साहब स्टोर्स वगैरह मौजूद हैं यहाँ पर स्टेशन पर, तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और ये बहुत एक अच्छी बात है कि मुसाफिरों के लिए सहूलत है। सामने जी प्लेटफॉर्म नंबर 5, ये है जी प्लेटफॉर्म नंबर 8, सामने जी 9 और इसी तरह उस साइड पर है जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 4। एक अदर ZC-26426। तो भाई साहब ZC-26425 माल गाड़ी को भाई खींचता हुआ ला रहा है आगे। देंगी पैरेलल एक्शन, एक तरफ RG-20 खींच रहा है जी
और ये जेड सी 20 पे भाई साहब रुक चुके हैं इधर ही। और स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देख सकते हैं आप। सुबह तो इतनी नहीं थी लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही लग रही है। आपको देखने से लग रहा होगा कि ये धुंध पड़ रही है लेकिन नहीं भाई साहब, ये स्मोक है। थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो खवातीन हज़रात, टाइम इस वक्त हो चुका है 11:38 और GU49051 की क़यादत में 41 आप करम एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अमेरिकन लोकोमोटिव 45 हॉर्स पावर का लीड कर रहा है करम एक्सप्रेस को। लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लिया गया है और ये हैं जी व्हीकल पावर वैन, उसके बाद बिजनेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड, फिर बिजनेस क्लास, इसके बाद एक और बिजनेस क्लास और बाकी पीछे इकोनॉमी क्लास की होती है। कराची से लाहौर के दरमियान चलने वाली करम एक्सप्रेस वाया फैसलाबाद, लेंगी ब्रेक लग चुकी है। तो यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर वीडियो देखते हैं आधी से ज़्यादा, बल्कि 80 से 90% वाम बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देखती है। तो भाई साहब ये ऐसे तो नहीं चलेगा, एडिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो इधर ही करते हैं जी इस वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।